मंत्रा, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुंदन ज्वेलरी हॉल। और इसमें जितनी भी आज ज्वेलरी लेके आई हूँ कुंदन से रिलेटेड लेके आई, लाइक कुंदन की ही लाई हूँ। और मैं अपनी पहले वीडियो में अपने चोकर और इयररिंग्स कुंदन की शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लिखा है, वो आप जाके वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। और सेकेंड थिंग ये है कि मैं फिर आज लेके आई जितनी भी ज्वेलरी है वो सारी की सारी होलसेल प्राइस रेट में, आपको कोई भी कॉस्टली नहीं पड़ने वाला है। आप उसको जल्दी से जल्दी जो भी पसंद है परचेज करो। मैं इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ ना, बिकॉज मैंने पिछली बार जितनी भी ज्वेलरीज आपके सामने शेयर की थी वो इयररिंग्स थी, रिंग्स थी, और ओवरऑल वो एक चोकर था। तो मैंने चोकर बाहर डाल लिया था, हमने सोचा थोड़े लॉन्ग सेट लेते हैं क्योंकि मैं साड़ी वाड़ी पे थोड़ा सा कैरी करना होता है। तो मैं इसमें जितनी भी ज्वेलरीज लेके आई हूँ लॉन्ग सेट है वो, और वन बाय वन मैं आपको दिखाने वाली हूँ। फर्स्ट मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ, मतलब इसकी पैकिंग बहुत अच्छी आई है ओवरऑल, आप इसको परचेज करो। मैंने पहले भी आपको इसका लिंक दिया था डिस्क्रिप्शन में, ये सेम मैंने लक्ष्मी ज्वेलर से लिया। कोई फर्स्ट बार किसी भी साइट से मैं परचेज करने में थोड़ा डर लगता है, लेकिन स्टिल मैं आपके साथ दो बार रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ तो आप इस पर आग बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि ज्वेलरी जो मैं आपको दिखा रही हूँ एग्जैक्टली आपके पास वही ज्वेलरी आने वाली है। तो लक्ष्मी ज्वेलर से है, और आपके पास जो मैं नंबर प्रोवाइड कर रही हूँ इस वाले नंबर पर, और दूसरा जो नंबर मैं आपको दे रही हूँ उस वाले नंबर पर आप कोई भी इंक्वायरीज ले लो, और उनके पास मतलब आप जाते हो इंक्वायरीज आप कॉल करके ले सकते हो, ऑर्डर पर प्लेस कर सकते हो। और इनफैक्ट आपको थोड़ा सा पिक या किसी में भी थोड़ा सा डाउट हो तो आप उनके पेज पे जाके चेकआउट कर सकते हो कि इनफैक्ट ज्वेलरीज की पिक कैसी है। तो आप चलो मैम स्टार्ट करती हूँ मैं ज्वेलरी अपनी दिखानी। तो फर्स्ट मैंने ये ली है, मतलब इट्स रियली टू गुड, मतलब जब मैंने परचेज किया था मुझे लगा मैं इसको डालने वाली किसके साथ, बट मैंने ले लिया, देखा जाएगा किसके साथ डालता है। तो ये है ओवरऑल, इसमें आपको कुंदन का काम मिलेगा, और इस पर फिर ऊपर में आपको पूरे बीट्स लगे हुए हैं, और यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा स्क्वायर शेप में दो दो कुंदन के काम मिलेंगे। ये पूरी ज्वेलरीज आपको नीचे है, आपको थोड़ा वी शेप में मिलेगा, और ये ग्रीन का और ये रेड का आपको इसमें कॉम्बो मिलने वाला है। और मतलब आप किसी भी ब्लैक साड़ी या कोई भी आपके पास हो जाए लॉन्ग या सिल्क साड़ी आप परचेज कर रहे हो, खरीद रहे हो, मतलब डाला हो भी हो आप पे, तो आप किसी लहंगे के साथ भी इसे, मतलब सिर्फ अगर हम ये सेट से डालते हैं अपने पे और उसके बाद हम शादी पार्टी में जाते हैं, मतलब हम ही दिखने वाले हैं। और जैसे आप ब्राइडल हो, आप न्यूली ब्राइड हो, और उसके बाद आपको किसी शादी वादी पार्टी में जाना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हो शादी के बाद तो काफ़ी पार्टियाँ में जानी पड़ी, तो आप ये चीज़ें बहुत ईजिली कैरी कर सकते हो। मतलब एक ओवरऑल आप ये डाल लो, और उसके अंदर आपको थोड़ा क्लोज करके दिखा रहे हो कि आपको थोड़ी इसकी क्वालिटी नज़र आ जाए। क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिटी इज़ टू गुड, आप इसको परचेज कर सकते हो। और जिस रेट में आपको ये प्रोवाइड हो रही है उस रेट में आपको मार्केट में तो वैसा नहीं मिलने वाला, जिस क्वालिटी में आपको दे रही हूँ। आपके इसके बीट्स हैं, बीट्स भी अच्छे हैं, मतलब वाइट में आपको नज़र आ रहा है, जो इसका ओवरऑल वर्क है बहुत प्यारा है। तो मैं आपके इसके साथ हमें इयररिंग भी मिली है, इसके साथ आपको दो इयररिंग मिलेंगे। अगर आपको थोड़ा लगता है कि हाँ ये ओवरऑल हैवी हो जाएगा लॉन्ग से, तो आप इसको सिर्फ इयररिंग भी कैरी कर सकते हो किसी भी साड़ी के साथ, या कुर्ती डाल रहे हो तो आप कुर्ती के साथ भी इसे पहन सकते हो। मैं इसे थोड़ा क्लोज कर देती हूँ आपके लिए, बाकी ओवरऑल मैं स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगी। मैं इसे ब्लैक साड़ी के साथ डाला है मैंने इसको, ये था मेरा फर्स्ट। सेकेंड भी मैंने कुछ ऐसा ही मंगवाया है, और मैंने ये पीस पहले थोड़ा सा चेक किया था, लेकिन उसके बाद मैंने ये अभी आपके सामने ही खोला है। और ये पिकॉक में है, और इसको देखते मुझे बहुत पसंद है, मैंने सोचा थोड़ा पिकॉक कलेक्शन किया जाए। तो ये पिकॉक में है, इसमें भी आपको कुंदन का काम मिलेगा, और इसमें आपको छोटे 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 आपको बीट्स भी नज़र आएगी पूरे ओवरऑल, जैसा वो पहला वाला पैटर्न था सेम वैसा ही है, बट इसमें थोड़ा सा आपका जो यहाँ पे ये सेट आता है लॉकेट आता है इसमें आपको थोड़ा चेन मिल रहा है। और इसमें जो है मीनाकारी वर्क है वो आपको थोड़ा बहुत दिखने को मिलेगा हल्का हल्का सा, और नीचे आपको ये बीट्स लगे हुए हैं रेड एंड ग्रीन में, ये भी कॉम्बो है, और ये पूरा आपको लॉन्ग मिलने वाला है। शायद इसकी हाइट 6 बोल सकते हो, 6.5 तो होगी, सेंटीमीटर तो होगा ही इतना।
मतलब मैं इसको ओवरऑल जब पूरा भी कैरी करके आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, तो आप एक बार हाइट थोड़ा मेजर करना, लेकिन हाँ जहाँ तक था ही 6 या 7 सेंटीमीटर के अराउंड मेंशन कर रहा था। और इसके साथ भी आपको इयररिंग मिल रही है, और इसमें जो इयररिंग है थोड़ा लॉन्ग में है। ओवरऑल आप दोनों को पहन के सिल्क की साड़ी के साथ आप जा सकते हो। लॉन्ग में है और इसको थोड़ा पिंक में दिया हुआ है, मतलब पिंक के बीट से जैसे उसमें था, ओवरऑल आपको इसमें भी यही शो कर रहा है। थोड़ा क्लोज कर देती हूँ। आप किसी लहंगे के साथ भी इसे इजीली पहन सकते हो, जैसे ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि आप साड़ी के साथ ही इसे डालो। जितनी भी आज मैं आपको सेट दिखाने वाली हूँ, तो अगर आप मेरे पेज पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती है, क्योंकि आप कमेंट करते हो तो हम समझ पाते हैं कि हमारी वीडियो अच्छी है, तो हम आपके लिए न्यू कलेक्ट करते रहते हैं। तो ये मेरा थर्ड वन मैंने बहुत ही परचेज कर लिया, और इस बार मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिए, क्योंकि मैं मोस्टली बहुत लाइट शेड लेती थी, लाइट कलर लेती। मैंने सोचा अगर मेरे को साड़ी के साथ कोई पसंद नहीं आता तो मेरी मम्मा तो ऑफकोर्स कैरी करी लेगी इसके साथ। और ये मैंने ब्लू में लिया। आपको जितने भी दिखा रही हूँ वो आपको और भी कलर है इनके, मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी, और भी कलर मिल जाएगी। मैंने ब्लू में लिया, ब्लू एंड वाइट का कॉम्बो है ये। और नीचे आपको जो लॉकेट है उसमें आपको मतलब कुंदन का काम नजर आने वाला है। और ओवरऑल आपको जो बीट्स है वो मैंने ब्लू में इसमें परचेज किया, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर भी है। सब लूज कर रहे हो, और ये 2 लॉकेट है, यहाँ से पेयर किया हुआ है, ऊपर ओवरऑल 1 है, और नीचे आपको 3 यहाँ पे स्टोन का वर्क भी मिला है। और ये भी लॉन्ग है, ये भी 6 और 7 सेंटीमीटर के अराउंड ही है। अगर इसको हम नेक पे डालते हैं तो पूरा इतना आता है, और इसको डालने में बहुत रॉयल लुक आता है। मतलब आप किसी भी, मतलब बहुत एक्साइटेड, अभी शादियाँ इतनी आने वाली है तो मैं किसी में भी इसे डालने वाली हूँ। आपको इस पर थोड़ा सा हाईलाइट होके नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको पूरा ओवरऑल साड़ी के साथ कैरी करके दिखाने वाली हूँ इसको। और सेम यही आपको हर के साथ आपको इयररिंग मिलने वाले हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी अगर हम परचेज कर रहे हैं तो ओवरऑल हमारा पैसा वसूल है, इयररिंग हमारे साथ है इसमें। मैं इयररिंग दिखा रही हूँ आपको, आपको इसके साथ ऐसे झुमकी मिलने वाली है छोटी छोटी, और झुमकी बहुत प्यारी है। मैं कोई भी कुर्ती के साथ इसे डाल सकती हूँ, लाइक आपकी ब्लू कुर्ती है, ब्लू एंड वाइट का कॉम्बो ले रहे हो तो आप उसको डाल के जा सकते हो। ज़रूरी नहीं हम इसे साड़ी और इसके ज्वेलरी के साथ ही कैरी करें। आज फिर मैंने ब्लू कलर में लिया है, और मैं काफ़ी टाइम से ऐसा सोच रही थी कि मैं परचेज करूँ, क्योंकि मेरे पास जितनी भी ज्वेलरी थी मोस्टली चोकर के ब्याह पे ले रखा था जितनी भी ज्वेलरी थी, तो मैंने सोचा था इस बार जितने भी सेट लेने वाली हूँ मैं लॉन्ग लेने वाली हूँ, क्योंकि मैं साड़ी तो कैरी करती हूँ। और ये भी मैंने ब्लू में परचेज किया, और इसमें बहुत ही प्यारा था, लाइक मुझे जल मास्क नहीं थी उस टाइम में, अगर मुझे नज़र आता तो मैं परचेज कर ली थी इसको। यहाँ पे आपको एक पूरी सी कृष्ण का, मतलब लाइक थोड़ा सा कृष्ण लुक देने वाला, और इसमें भी आपको डिफरेंट कलर मिलने वाले हैं, 6 और 7 कलर है इसमें। रेड में भी आपको बीट्स मिलने वाले हैं, वाइट में, सिल्वर में, पिंक, मतलब मोस्टली आपको हर कलर मिलने वाला है। आपको जिसकी नीड हो आपको बाय ऑन कर देना। ये आपको क्लोज करके थोड़ा दिखा रही हूँ, और ये जो आपको बीच में काम नजर आ रही है आपको कुंदन वर्क मिलेगा वो पूरा पूरा। अब मैं ये तो नहीं बोल सकती कि आपको इसमें ओरिजिनल कुंदन मिलने वाले हैं और ओरिजिनल बीट्स होंगे, ऑफकोर्स आपको इस रेट में ओरिजिनल तो नहीं मिलने वाला है, लेकिन आप ये मतलब हम और से जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट से परचेज तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन एक बार आप यहाँ से परचेज करके देखना, क्योंकि मुझे तो क्वालिटीज़ में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आया। अगर प्रॉब्लम होती तो मैं इनफैक्ट परचेज़ भी नहीं करती। मैं ये दूसरा हॉल निकाल रही हूँ जिसमें मैंने ये ज्वेलरीज लिए, एक बार मैंने नॉर्मली लिए थे, और इस बार फिर मैं अपने जो भी सेट ले रही हूँ ओवरऑल लॉन्ग में ले रही हूँ। और इसके साथ भी इयररिंग मिली है हमें, इसके साथ जो आपको ये इयररिंग मिल रही है ये भी आपको, इसमें भी आपको टच दिया हुआ है कृष्ण का, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं दुश्मन में राधा ही बनने वाली हूँ। और ये भी आपको इयररिंग में आपको बीट्स मिलने वाले हैं और कुंदन का काम मिलने वाला, और इसमें आपको इजिली मोर पंख बना हुआ है इयररिंग में, और लिटरली बहुत प्यारा लगने वाला है ये आप डालते हो तो।
में आप इसे बीट्स को अगर आप चाहो तो यहाँ से हटा भी सकते हो, और अगर नहीं आप हटाना चाहते तो ओवरऑल ये लॉन्ग भी आप इसे कैरी कर सकते हो। उसके बाद ही मेरा नेक्स्ट ग्रीन के बाद मैंने रेड में परचेज किया है इसको। जैसे अभी बहुत से फेस्टिवल आ रहे हैं, दिवाली आने वाली है और बहुत से अभी तो इतने फेस्टिवल आने वाले कि आप किसी में भी इनको डाल सकते हो। इस बार मैंने ये रेड में लिया और इस बार मैंने थोड़ा जो लॉकेट है थोड़ा डिफरेंट है ये, और ये मैं थोड़ा क्लोज कर, इसमें आपको नीचे तीन पेयर किए हुए हैं और ये दो में आपको बड़े बड़े यहाँ पे मिलने वाले हैं। ऊपर आप पूरा कुंदन काम मिलने वाला है, बीच में आपको बड़ा सा कुंदन का काम है। ये ओवरऑल ऐसे आ रहा है, रेड एंड वाइट का कॉम्बो है। मुझे इसको देख के इतना पसंद आया ना, मैंने कहा रेड में वैसे भी साड़ी जो होती है मोस्टली ब्राइडल हो गई या अगर आपके न्यू मैरिड हो, आप जा रहे हो, आपकी शादी होने वाली हो, तो आप इसको अगर कैरी करते हो, क्योंकि इतनी रेड साड़ियाँ आती है ना हमारे पास कि मतलब लगता है कि रेड इसको मैं खुद खरीदूँ ही ना अपनी शादी, क्योंकि जो भी आता है मोस्टली रेड ही गिफ्ट कर जाता है। तो उसके साथ हम ये डाल सकते हैं, और ऐसा नहीं कि रेड है तो रेड पे ही डालो, आप डिफरेंट जैसे आप पिंक हो गया या फिर आप ब्लैक हो गया या फिर आप कोई भी गोल्डन शेड डाल दो तो उसके साथ आप ये पहन सकते हो। बीच में आपको फ्लावर मिलेंगे और ये भी पूरा कुंदन वर्क मिलने वाला है, और इसका बीट्स बहुत सॉफ्ट है, मतलब आप कोई चुभेगा नहीं, मतलब ये होता ना कि कितनी बार चुभते हैं। तो मैंने इसको मैंने कैरी करा था इसको साड़ी के साथ ब्लैक, और दिखा रही हूँ मैं आपको स्क्रीन पे, तो मुझे बिल्कुल चुभा नहीं। और इसको बड़ा और छोटा तो हम कर ही सकते हैं, आप चाहते हो कि नेक से ज़्यादा नीचे ना जाए तो आप यहीं तक रख सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा ओवरऑल नीचे तक जा, और ये भी आपको 7 to 8 feet तो मिलने वाले हैं, मतलब सॉरी फिट सेंटीमीटर मिलने वाला है। तो ये आपको, और इसके साथ भी आपको इयरिंग मिल रही है। मैंने जितने भी परचेज किया है साथ में इयरिंग के साथ परचेज किया है, क्योंकि कितनी बार मैं कन्फ्यूज जाती हूँ कि इसके ऊपर फिर मैं इयरिंग क्या डालूँ। तो इसमें इयरिंग आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है, ओवरऑल पूरा कुंदन वर्क है, रेड एंड वाइट में कॉम्बो, नीचे आपको 3-4 बीट्स लगे हुए हैं। सेम वही कि आप इसे अलग से भी डाल सकते हो, और मैं तो इनको इन इयरिंग्स को मैं अपने कुर्ती पे डालती हूँ मोस्टली, क्योंकि मैं दोनों साथ में ही लेते, मतलब मेरा सोचना ये है कि अगर मैं ओवरऑल ड्रेस हैवी होती है तो मैं सेट थोड़ा सा नॉर्मल डालती हूँ, और अगर मेरे पास सेट हैवी होता है तो मैं ड्रेस थोड़ा सिंपल प्रेफर करती हूँ, और ओवरऑल पूरा लुक अच्छा लगता है। एक होता है ना कि हम दोनों अगर सेट और मैं इयरिंग और सेट पूरा मैं डाल लूँ और ऊपर से हमारे पास ड्रेस भी हैवी हो जाए तो दिखने में उतना अच्छा लगता नहीं। तो ये मेरा लास्ट है कलेक्शन, जो कि मैंने सब ब्लू और रेड के कलेक्शन लिए थे, और इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि आप इनके साथ आपको एक रिंग फ्री मिलने वाली है, जो कि मैंने आपको मेंशन पहले ही किया था कि हम जो भी इसमें परचेज कर रहे हैं आपको रिंग इसमें फ्री मिलने वाली है। ऐसा हमने पहले फर्स्ट ऑर्डर पर उन्होंने निकाला था, लेकिन अब उन्होंने स्पेशल ऑफर निकाला हुआ है कि हर एक ऑर्डर पर आपको एक रिंग मिलने वाली है फ्री, और वो रिंग भी उसमें कुंदन का काम है, आप उसे ले सकते हो। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, ये आपको सर्कल में मिलेगा, मैंने इसमें जितने भी लिए थे डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन लिए थे, ये आपको सर्कल में कुंदन वर्क मिलने वाला है, और रेड कलर का आपको बीच में है इसमें वर्क, और नीचे आपको बीट्स लगे हुए हैं, पूरा ओवरऑल ये रेड में मिलने वाला है बीट्स, और बहुत शाइन है, आपको दिख रहा होगा शाइन नज़र आ रही है इसमें, और ये भी आपको उतना ही लॉन्ग मिल रहा है। अब मैं इसको ओवरऑल पूरा आपको ट्रिप करके अभी दिखाने वाली हूँ साड़ी के साथ, और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ना बिकॉज मेरे पास कुछ था नहीं ऐसा, और आप भी लो अगर आप पे नहीं, क्योंकि आप पे ज्वेलरी कलेक्शन तो होनी चाहिए, और हम ज्वेलरी लेते हैं। और इसके साथ थोड़ा सा ये कि आपको इसके साथ रेड नहीं मिलने वाला, तो लाइक मैंने एक ऑलरेडी रेड में लिए रखा है तो मैं उसका मतलब यूज़ कर सकती हूँ इसके साथ, कि मैंने रेड में ले रखा, अगर मैं चाहूँगी तो मैं इसके साथ यूज़ कर सकती हूँ, ये ओवरऑल चला जाएगा। तो मैंने इसलिए इसके साथ दूसरा जो मैंने सेट प्रेफर किया था कि मैं इसके साथ इयरिंग ना हो तो मैं ले लेती हूँ, तो इसलिए मैंने इसको परचेज कर लिया, और ये मैंने अपनी मम्मा के लिए परचेज किया है। ये था मेरा ज्वेलरी हॉल जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, और ये ओवरऑल मेरी जितनी भी ज्वेलरी कलेक्शन थी मैंने आपको पहले भी बताया लक्ष्मी ज्वेलर से थी, FB और इंस्टाग्राम पे इनका एक पेज है, उस पर आप जाओ और चेकआउट करो, और जो भी आपको पसंद आता है परचेज करो। और सेकेंड थिंग कि मैं जा रही हूँ, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो जितनी हो सके उतनी शेयर करो, क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर किया, आप औरों के साथ शेयर,
आपके साथ साथ और लोग भी इसका प्रॉफिट ले सकें। तो चलते हैं, हम जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय बाय एंड लव यू।